तो आज के लेक्चर में हमने इंसानों के अंदर ट्रांसपोर्ट और दूसरे वर्टिब्रेट्स के अंदर भी इसी तरह से होता है जितना कि इंसानों के अंदर होता है, उन सब में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बंद निजामे खून, निजामे दौराने खून। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कभी भी आर्टरीज वेन्स और ब्लड कैपिलरीज से बाहर नहीं जाता, ये हमेशा उसके अंदर ही मूव करता है। अब खून के दो अहम जूस होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जूस जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का है वो खून है। खून जो है वो एक फ्लूइड है, मखसूस किस्म का फ्लूइड है, और ये एक टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और मगर ये माया है, और इसका जो माया हालत है जैसे कि ये फ्लो कर सकता है वो प्लाज्मा की वजह से होती है, ठीक है। और ये हर वक्त थमा वक्त गर्दिश करता है, पूरे जिस्म का गर्दिश करता है, ये जिस्म के तमाम जो खुलिए हैं इनफरादी खुलिए उनको गजा और ऑक्सीजन फराहम करता है। आप देखिए ये जो ब्लड वेजल है या आर्टरी के अंदर ये खून जो दौड़ रहा है जिसको इस शक्ल में यहाँ पर दिखाया है, ये देखिए ये एक इंसान का, ये देखिए इंसान के जिस्म के अंदर ये आपको नजर आ रही हैं ये वाली रगें, ठीक है। इन रगों के अंदर हर वक्त खून जो है वो गर्दिश कर रहा है, और जब कोई ब्लड का टेस्ट किया जाता है तो यहाँ से इन रगों में से खून को निकाला जाता है, ठीक है। अगर इसको इस रग में से खून को निकाला जाए, एक टेस्ट ट्यूब में डाला जाए और उसको कुछ घंटों के लिए रखा जाए तो एक उसकी दो तहें बन जाती हैं, एक जो होता है रेड कलर का वो नीचे बैठ जाते हैं वो ब्लड सेल्स होते हैं, और एक येलो कलर का लिक्विड ऊपर ऊपर की तरफ ये जमा हो जाता है, इसको प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और तकरीबन 55% ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और 45% जो है वो इसके अंदर इसका सॉलिड पार्ट होता है ब्लड का, जिसको ब्लड सेल्स कहते हैं। ये देखिए ये प्लाज्मा येलो कलर का और ये ब्लड सेल्स, ये दोनों जो हैं वो खून के अंदर ये मौजूद होते हैं और ये गर्दिश कर रहे होते हैं हर वक्त। अब ये गर्दिश क्यों करते हैं, ये किधर जाते हैं ये ब्लड सेल्स, और इसके अंदर क्या कुछ है इस ब्लड में, और ये क्यों हर वक्त हरकत कर रहा है, और ये कहाँ जाता है, ये सारा जो आपको मालूम है आपके जिस्म के जितने बॉडी सेल्स हैं जहाँ कहीं पर भी हैं वो आपके सर से लेके आपके पाँव के नाखून तक जितने भी बॉडी सेल्स हैं आपके उन तक ये खून की बारीक बारीक रगें जो हैं उनकी रसाई होती है। इन बारीक रगों को कहते हैं कैपिलरीज। उन्होंने आपके बॉडी के सेल्स को चारों तरफ से घेरा हुआ होता है। ब्लड कैपिलरीज जो सेल्स हैं दे आर रिचली सप्लाइड विद दीज ब्लड कैपिलरीज, दे आर सराउंडेड बाय दीज ब्लड कैपिलरीज फ्रॉम ऑल साइड्स। अब इन ब्लड कैपिलरीज और ये सेल्स, ब्लड कैपिलरीज भी माइक्रोस्कोपिक हैं, वन सेल थिक हैं, और ये सेल्स जो हैं ये भी ऑलरेडी माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत छोटे हैं, और इनका आपस में कनेक्शन होता है। और ये जो ब्लड हैं ये ब्लड के अंदर जितने भी डिजॉल्व फूड पार्टिकल्स हैं, जो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं, जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, ये सेल के अंदर जाएंगे। इनका मंजिल क्या होती है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी चीजें हम अपनी खुराक में खाते हैं, उनकी मंजिल होती है सेल्स खुलिए तक पहुंचना, ताकि वहां पर इनकी टूट फूट हो और उससे जो एनर्जी मिले हमें। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है इन्होंने पहुंचना होता है खुलिए के अंदर। अब खुलिए के अंदर कैसे पहुंचेंगी, क्योंकि हम तो जो खा रहे हैं वो हमारा निजाम जो है वो सारी चीजें तो हमारी आंतों तक हैं, आंतों से ये हमारे जो जिस्म के सारे सेल्स हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए, जिनको ग्लूकोज चाहिए, जिन्होंने रेस्पायरेशन के जरिए जिन्होंने इस ग्लूकोज को तोड़ना है और उसे एनर्जी लेनी है, चाहे वो आंख के सेल हैं, चाहे वो आपके बाल हैं, चाहे वो मसल्स हैं, जहां पर भी बॉडी के अंदर हर हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो सेल सर्वाइव नहीं कर सकता, तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी डिले नहीं किया जा सकता। ऑक्सीजन की कॉन्स्टेंट सप्लाई आपके ब्रेन के सेल्स को, आपकी आंखों के सेल्स को, आपके मसल सेल्स को, हर वक्त बोन्स को हर वक्त मिलनी चाहिए। तो ये किस तरह से मुमकिन है, कैसे, जो आप सांस ले रहे हो, जो सारी की सारी ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जमा है वो सारी किस तरह पहुंचेगी सेल्स के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसके लिए प्रॉपर एक अल्लाह ताला ने निज़ाम बिल्ट इन किया हुआ है, जिसके जरिए ऑक्सीजन और खून जो है ये सारों को मुहैया होता है बॉडी के खुलियों को। और ये
खून के जरिए मुमकिन है, क्योंकि खून पूरे जिस्म का दौरा करता है, कोई भी सेल इसकी रसाई से बाहर नहीं है, हर सेल तक खून की रसाई है थ्रू ब्लड कैपिलरीज। तो अब ये होता है कि ये खून के अंदर जो ऑक्सीजन है और जो ग्लूकोज है, वो जहां जहां से ब्लड पास होता है ना इन ब्लड कैपिलरीज में से, वो खुलिए के अंदर पहुंचा देता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ठीक है। और ये सारी चीजें कहाँ पर हैं, ये ब्लड के अंदर मौजूद है। एक तो ब्लड सेल्स है, ये ब्लड सेल्स क्यों होते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये सारे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, इनके साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है बेसिकली बाइंड होता है, और हर रेड ब्लड सेल के साथ ऑक्सीजन ये बाइंड होती है, और जहां जहां पर से भी ब्लड गुजरता है बॉडी के सेल्स में से, वहां पर ये ऑक्सीजन अलग हो जाती है ब्लड सेल से और ये खुलिए के अंदर पहुंच जाती है। तो इसलिए खून की बहुत अहमियत है। खून पूरे जिस्म का दौरा करता है, हमा वक्त करता है, 24 आवर्स करता है। खून के हर इंसान के जिस्म के हर खुलिए और तमाम जानवरों के हर खुलिए को ब्लड की सप्लाई 24 घंटे मुहैया होती है, और उसी के जरिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है वो खुलिए के अंदर पहुंचते हैं, और इस तरह से हर इंफरादी खुलिया फजा और ऑक्सीजन जो है उसको उसकी रसाई होती है। फिर इसके अलावा जिस्म के तमाम हिस्सों से हर खुलिए के अंदर जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो उससे पैदा शुदा जितने भी वेस्ट होते हैं, जो जिनको आप उर्दू में क्या कहेंगे, वेस्ट मटेरियल को आप लोग कहते हैं ना उर्दू में फाजिल मादे, जितने भी होते हैं, ये उनको निकालता है खुलिए से बाहर खून, और इनको वापस लेके जाता है किडनीज में, वापस लेके जाता है जहां से जितने भी आपके क्रिएटिनिन यूरिया जो फाजिल मादे हैं, इनका इखराज होता है थ्रू यूरिन, इसके अलावा पसीने के जरिए, और ये सारे जो फाजिल मादे हैं ये आपके जिस्म से बाहर जाते हैं, और जो गैसेस की फॉर्म में है फाजिल मादे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो फेफड़ों से जब आप सांस बाहर निकालते हो तो वो उस तरीके से बाहर निकल जाती है। तो ये एक बड़ी पेचीदा टिश्यू है, ठीक है, और इसका एक लिक्विड पार्ट है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और इसके अलावा इसका एक सॉलिड पार्ट है जिसको ब्लड सेल्स कहते हैं। अब खून के जो अब जो ब्लड सेल्स हैं जिनको आप उर्दू में जसीमे कहते हैं खून के, वो तीन तरह के होते हैं, सुर्ख जसीमे जिनको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, सफेद जसीमे जिनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स, ये सारे के सारे तैर रहे होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है। जैसे ये आपको ये इमेज नजर आ रहा है, ये देखिए ये पिक्चर में ये क्या हो रहा है, ये सारे ब्लड सेल्स जो हैं, चाहे वो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो प्लेटलेट्स हैं, सब के सब प्लाज्मा में इस तरह से तैर रहे होते हैं। ये देखिए दूसरे ये सारे खून के खुलिए, ये देखिए खून की एक ये आर्टरी है, ये शरियान है, और इसके अंदर ये सारे के सारे इस तरह से जो लिक्विड पार्ट है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, उसके अंदर ये तैर रहे होते हैं। अभी कितनी मुख्तलिफ किस्मों के हैं, ये रेड वाले जो हैं ये राउंड डिस्क की फॉर्म में, इनको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, फिर ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, इनकी मुख्तलिफ अकसाम हैं, कुछ ग्रैन्यूलर होते हैं और कुछ ए ग्रैन्यूलर होते हैं, फिर इनके नाम उसी हिसाब से दिए हुए हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, फिर ये प्लेटलेट्स हैं, ये देखिए प्लेटलेट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो ब्लड टेस्ट होता है उसके अंदर ये सारा काउंट होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है कि उसमें तो कोई मसला नहीं है, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स का काउंट देखा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट देखा जाता है कि वो कोई कम तो नहीं हो रहे किसी वजह से, रेड ब्लड सेल्स जो है वो उनमें कमी तो नहीं है, किसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि इनका एक मुस्तकिल जो मकदार है वो खून के अंदर मौजूद रहनी चाहिए, तो अगर वो नहीं होगी तो बॉडी के बहुत सारे अफाल जो हैं वो नहीं हो पाएंगे और वो एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाएगी वो चीज़। तो ये सूरत हाल है। अब आते हैं प्लाज्मा की तरफ। अब जो प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, ये देखिए ये ब्लड प्लाज्मा है, ये बुनियादी तौर पर पानी है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटीन्स और सॉल्ट्स होते हैं, कुछ नामियाती गैर नामियाती और कुछ बेकार फाजिल मादे होते हैं, ठीक है। इसका प्लाज्मा का जो 90-95% है वो पानी पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, और जब से 8-10% इसके अंदर डिजॉल्व मटेरियल्स हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें होती हैं। अब जो इनके अंदर प्रोटीन्स होती हैं वो भी शामिल होती हैं, जो अहम प्रोटीन है, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, जो अहम प्रोटीन है
वो फिब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन है और एल्ब्यूमिन है, ठीक है। ये होती हैं कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जो बीमारियों के खिलाफ आपको कुव्वते मुदाफ़त इनसे मुहैया होती है। हार्मोन्स होते हैं और जैसे मैंने आपको बताया मादिनियात की इंतहाई क्लील मिकदार होती है और कुछ हलशुदा गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई इसके अंदर, प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा के अंदर, 90% पानी है, 7-8% डिसॉल्व प्रोटीन्स हैं और इनमें से तीन प्रोटीन्स मैंने आपको नाम बताए, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है। 2-3% हिस्सा ग्लूकोज पर मुश्तमिल है, कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो कि क्या हैं, जो प्रोटीन्स बनाते हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं और मुतअद्दिद नामियाती और गैर नामियाती इसके अंदर मादे हैं, मादे हैं, फिर मादिनियात हैं और कुछ बहुत ही क्लीन मिकदार में डिजॉल्व गैसेस हैं। अब आते हैं ब्लड सेल्स की तरफ, ये तो हो गया प्लाज्मा। ब्लड सेल्स जो हैं ये क्या हैं, तीन तरह के हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी नाम बताया, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड ब्लड सेल्स की तरफ चलते हैं। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, तीन जो है टाइप्स हैं सेल्स की। अब आते हैं सुर्ख जिसीमें जिनको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, रेड ब्लड सेल। अच्छा, आम इंसानी जो एक फर्द है उसके अंदर इनकी तादाद खून के 5 मिलियन फी मकाब मीटर होती है, 5 मिलियन, 5 मिलियन। पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। डेसीलीटर या मुकाब लीटर, पांच मिलियन। अब जो परिंदे हैं और मैमल्स हैं इसके अंदर आपके ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये हड्डियों का जो गूदा होता है उसके अंदर ये पैदा होते हैं और ये डिवाइड नहीं करते। ये वो बॉडी के वो सेल्स हैं, बॉडी का हर सेल डिवाइड करता है मगर ये वो सेल्स हैं जो कभी डिवाइड नहीं करते। और मैमल्स में जो है वो इसके अंदर ये न्यूक्लियस नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडीज और जितने भी सारे आपके ये सेल ऑर्गेनाइज हैं वो इसके अंदर मौजूद नहीं होते। न्यूक्लियस की इसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने तो डिवाइड ही नहीं करना और न्यूक्लियस का मतलब होता है, न्यूक्लियस जो है वो डिवीजन के लिए होता है। तो ये विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, 120 दिन तक ये जिंदा रहते हैं, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन, एक बॉडी ऑर्गन है उसमें जाकर। और तमाम बॉडी ब्रेड्स में जो परिंदे और मैमल्स हैं उसके अंदर तो ये बगैर इन सब चीज़ों के होते हैं न्यूक्लियस के, लेकिन बाकी बॉडी ब्रेड में इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इनकी शक्ल बेस भी होती है जैसे कहीं आपको नजर आता है, डिस्क की तरह होती है, जैसे वो कंप्यूटर की डिस्क होती है ना सीडी, उसकी तरह ये होते हैं। और इनका बुनियादी मकसद क्या है कि ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करते हैं और जब जब ये खुलिए के पास पहुंचते हैं तो ये ऑक्सीजन को अपने साथ से उतार देते हैं और ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर चली जाती है, खुलिए के अंदर चली जाती है। और इनके अंदर एक मादा होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से ये जो है वो सुर्ख रंग के होते हैं क्योंकि वो सुर्ख रंग का एक पिगमेंट है और एक तनफ्फुस के अमल में इस्तेमाल होने वाला मादा है। ये फेफड़ों से जिस्म की दूसरे टिश्यूज में ऑक्सीजन और फेफड़ों में वापस कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकालता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्हीं के जरिए फेफड़ों से बाहर जाती है और ये ऑक्सीजन जो है ये सबसे ज़्यादा ये अपने साथ बाइंड करता है और जहाँ जहाँ पर ये जाता है ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है। अब खून के सफ़ेद जिस्म इनकी तरफ आते हैं, इनको कहते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है। और ये इनके अंदर तो न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, और ये सुर्ख खुलियों से ये बड़े होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। ये आपको जितने वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं ना ये सारे क्या हैं, वाइट ब्लड सेल, चाहे वो न्यूट्रोफिल हो, चाहे वो बेसोफिल हो, चाहे वो मोनोसाइट हो, चाहे वो यूसिनोफिल हो, ये सारे के सारे क्या हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं। ये खून के सफ़ेद खुलिए हैं और ये साफ तौर फाल में मुख्तलिफ तरह के होते हैं। आपने देखा रेड ब्लड सेल सारे एक ही जैसे हैं मगर वाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनकी मुख्तलिफ साख्तें हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, मोनोसाइट है ये और तरह का है ये और